आपका स्वागत है दरन वी शो क्लिप्स नेम बस देखते रहो और सीखते रहो बहुत लोग ये जानते नहीं पर सोशल मीडिया में आपकी शुरुआत हुई थी करीब एक साल पहले उससे भी कम आह तब से मतलब सब चल रहा है हाँ जब आप एकदम सोशल मीडिया क्रिएटर बन गए हाँ हो गया एक, एक साल एक हो चुका हंड्रेड डे इज हंड्रेड ड्रेसेस हाँ ये ये मैं ना इस मीसो की वीडियो बनाती थी मैं तभी मैंने सबसे पहले जब मैंने कैमरा लिया मैंने ट्रांजेक्शन वगैरह बनाना शुरू करा मुझे पाँच छः महीने में पता चला इसमें मेरा कुछ नहीं रखा तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊं जो लोग रुके मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि क्रिंज है ये ये वो गलत है अगर ये वायरल भी चला गया फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं है मुझे इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं था बस ये था अगर एक वीडियो है वो वायरल है तो पैसा है बस इतना ही जानता पर अभी सब पता चल रहा है तो ये चीज़ होते होते हुई है कि मुझे पता चला कि सिर्फ व्यूज़ भी मैटर नहीं करते इज़्ज़त नाम की भी कुछ चीज़ है मैटर करती है तो करते करते भगवान जी ने इतनी इज़्ज़त दिला दी कितनी इज्जत इज्जत है कैसा तो भी है इज्जत भी है आप पर आपने दिमाग लगाई है आपने हाँ। मेहनत करी है ये सारी चीज़ों के पीछे मेरा भाई है मनु सब चीज वही करता है मेरे कैन के जो चार आउटफिट हैं वो डिजाइन भी उसी ने बताया कि ये बनाने हैं कलर भी उसी ने बताया एक टाइम ऐसा आया कि उसके स्कूल की फीस जानी थी या मेरी वीडियो का कुछ सामान खत्म हो रहा था उसने अपना एक साल बर्बाद कर दिया वीडियो तू कपड़े ला वीडियो बना वाह वो डर जाएगा कैमरा रे आ जाओ मनु भाई <laughs> मन्नू भाई कैसा रहा है आपका सफर बहुत अच्छा रहा एकदम सपने जैसा लग रहा है मेरे को तो एकदम सब कुछ आपको मैं डेली देखता था <laughs> और आपका लाइव देख रहा हूँ। कैसा लग रहा है ज्यादा अच्छा लग रहा है लाइव में थैंक यू थैंक यू ब्रो आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है हाँ। इसने तारीफ करी मेरी <laughs> मैं बोल रही हूँ इसने अपना स्कूल भी छोड़ दिया मेरे वजह से कि या तो स्कूल की फीस जा रही है या मेरी वीडियो ही बन रही है तो वीडियो बना पता था इस तरह की शोहरत मिलेगी इन्हें ये सोच के क्या था कि मम, मम्मी को उनकी फैक्ट्री से काम से हटवाना है तब ये नहीं था कि कितना इतना बड़ा करना है कि कितना छोटा करना है बट उनकी सैलरी सिक्स थाउजेंड पर मंथ थी टेन थाउजेंड भी आ जाए किसी तरह मंथ से वो हट जाएंगे हम खुश थे ये सोचा था स्टार्टिंग था। था को हम ये बोल सके कि इतना पैसा तुम उधर से ला रही हो हम इतना ला हम, हम इधर से कर देंगे आप अब काम पे मचाओ ये था बस गोल स्टार्टिंग में और अभी तो डेली सरप्राइज हमें खुद मिल रहा है कि ये <laughs> क्या हो गया ये इतना नहीं सोचा था इतना नहीं सोचा क्रेजी चीज़ क्या लगी है। ये रिस्पॉन्स ये सबसे अभी तक प्रोसेस नहीं हो पा रहा है क्या हो रहा है पॉडकास्ट ये जितना भी इसको सब सपोर्ट कर रहे हैं एकदम कान फिल्म फेस्टिवल के बाद ये बताइए कि जो सोशल मीडिया की गेम क्रैक करी है इन्होंने ये कह रही हैं कि आपने दिमाग लगाया है इस नई डिज़ाइन बताए इसी ने कलर वो तो अभी हम दो साल से एक साथ कर रहे हैं काम मुझे इसका मतलब पता चल रहा है आपस में तो वो तो अपने आप हो जाता है लेकिन इसकी मेहनत लोगों को इसके टैलेंट को वो लोगों को पसंद आ रहा है कि हमारे जैसी है और इतना इसके अंदर टैलेंट है और ये इतना हार्डवर्क ये हार्डवर्क बहुत ज़्यादा डालती है टैलेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डालती है पिछले दो महीने में जब से इसको ये आउटफिट्स बनाने थे चार ये लिटरली एक घंटा से एक दिन में और जिस दिन लास्ट वाले दिन पे जाने वाले थे उस दिन ये फाइनल आउटफिट इसका एक रेडी नहीं था तो अपना सुई धागे वाला बॉक्स और वो आउटफिट लेके गई है और उसका मेकअप हो रहा है और उसको <laughs> सिल रही है नीचे और मैं वीडियो कॉल पे देख रहा था तो उसने लास्ट डे तक सिला है मैंने व्लॉग भी करा वो व्लॉग भी है हमारे पास अभी लाइव नहीं हुआ है लेकिन इसने मतलब इस ये मेहनत बहुत ज़्यादा करती है पूरी पूरी रात अभी जैसे आज हमने अब सात बजे से स्टार्ट किया इसने ये नेक्स्ट डे सात बजे तक रात को बारह बजे तक भी लागत कंटिन्यू करती रहती है अगर वो कंप्लीट नहीं होता जो इसको करना है तो टैलेंट है हार्डवर्क के साथ है तो वो और रुक ये भी हमेशा यही बोल रही है कि अग, अगर टैलेंट अगर और किसी में भी ये होता इतना ज़्यादा हार्डवर्क कोई कर ही नहीं सकता जितना ये करती है क्योंकि ट्वेंटी फोर आवर्स भी करती है ये हफ्ते में दो तीन बार तो एक दो दिन ही छोड़ते जो एक मम्मी पापा क्या कह रहे हैं मम्मी बहुत खुश हैं और अभी तो सब अब तो और पापा भी अब तो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्या बोले आपसे जब आप यहाँ थे और दीदी कैन में थी पापा दोनों मम्मी तो मेरे साथ ही थी हर वीडियो कॉल पे बार 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 बहुत खुश हो रही थी और पापा का आने के बाद फोन आया कि मैं तेरा नंबर दे रहा हूँ सबको मुझको ये न्यूज़पेपर से कॉल आ रहा है मेरे को इस न्यूज़ से कॉल आ रहा है बस खुश हो आप मैं तो बहुत खुश है। क्यों खुश हूँ इसकी सक्सेस को देख के खुश हूँ दीदी को जो सफलता मिल रही थी वो आखिर मिल रही फाइनली और भी सफलता देखेंगे हाँ मनु भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank ये you. आपकी भी जीत है मजा आपसे दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ